लाइट होता ना तो ज्यादा सही होता। ओए स्कूटी का लाइट बंद हो गया, जल जा भाई। ये कौन सी बाइक है, इसके टायर देखो ना, अच्छा इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक कौन ऐसे निकला, कौन ऐसे निकला। रात के टाइम पे ये वाला रोड थोड़ा सा डरावना सा लगता है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला है गाइस कब सुबह से दोपहर हो गया, गाइस इतना भी नहीं पता चला है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गौरी बाजार, मुझे ना 2-3 शर्ट लेना था तो वो चीज़ चलते हैं दुकान से, अगर मिल जाए तो दुकान से ले लेंगे वरना ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिया हूँ। चलते हैं, और अभी बारिश भी आ सकती है। और हाँ एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, ये देखो बारिश की वजह से पूरी स्कूटी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है भाई, कितनी ज़्यादा गंदी भाई साहब। चलो इसको धुलना पड़ेगा जब बारिश नहीं होगी तब। और अभी मैं ना गोप्रो को लगा रहा था यहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत पता है क्या आ रहा है, जो गोप्रो का फ्रेम है ना वो नीचे हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब गोप्रो लग पाएगा, क्योंकि जो गोप्रो का जो फ्रेम है कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे नीचे का आ रहा है, तो मुझे नीचे तो चाहिए नहीं। अब इसको देखते हैं, इसको तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो है ना एम सील है, तो ये पूरा ना ऐसे चिपक गया है कि भाई अब ये निकल भी नहीं सकता, अगर निकलेगा तो ये पूरा ना उखड़ जाएगा या फिर टूटने के चांसेस भी हैं। चलते हैं, अब गोप्रो का जो फ्रेम है वही नहीं आ रहा है, फिर मैं क्या ही करूँ, वरना गोप्रो से रिकॉर्डिंग कर लेते थोड़ा बहुत। गोप्रो से ब्लॉग मैं बहुत कम करूँगा, गोप्रो से सिर्फ जब मैं बाइक राइड करूँगा तो ही ब्लॉग करेंगे। वैसे तो मैं फ़ोन से ज़्यादा करूँगा क्योंकि फ़ोन से ब्लॉग करना ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और गोप्रो से भी ईजी है, लेकिन गोप्रो का जो फ्रेम है ना वो बार बार अपने को सेट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद सही हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस होगा तब तक आईफोन से ब्लॉग बनाएंगे गाइस। और सुबह से ना दोपहर भी हो गई और दोपहर से शाम भी हो जाएगी, लेकिन आज अपनी संडे राइड लग रहा है नहीं हो पाएगी यार। देखते हैं शाम का भी, देखते हैं अगर शाम को संडे राइड कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना संडे राइड तो मुझे लगता है आज हो नहीं पाएगा अपना, क्योंकि दोपहर हो गए दोस्तों, अब दोपहर से शाम भी हो जाएगी तो शायद ही आज मैं लग रहा है संडे राइड करूंगा। ऑडी ऑडी जा रही है ऑडी। भाई ये कौन सी बाइक है, इसके टायर देखो ना, अच्छा इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक भाई मैं भी सोचूं इतना ज़्यादा हाइट पे कैसे है। आज स्कूटी को यहाँ पे खड़ी करते हैं, खड़ी करने की जगह ही नहीं है बारिश की वजह से, देख रहे हो कितना कीचड़ कीचड़ हो गया है। काफ़ी ज़्यादा शर्ट देखने के बाद गाइस एक शर्ट अपने को पसंद आया, लेकिन इसका साइज ही नहीं मिला यार, साइज में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसको मुझे ना फिटिंग कराना पड़ेगा, अब फिटिंग के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और मुझे लेना था एक और शर्ट, लेकिन लिया बस एक ही हूँ क्योंकि मिल ही नहीं रहा यार, ना तो शर्ट का साइज मिल रहा है ना तो जो मुझे शर्ट चाहिए वो कलर मिल रहा है। आज लग रहा है धूप देखने को मिलेगा, शायद धूप हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह ना कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी इतना ज़्यादा भर गया है ना मत पूछो। चलो जी चलो, यहाँ पर भी पानी पानी है, लेट अस गो करते हैं। आधा घंटा तो एक दुकान पे लग गए गाइस, क्या बस ये क्या देखने के लिए। अच्छा बड़ा छोटा सा है, धुलने के बाद इस सब का कलर ऐसा ही रहेगा भाई, ऐसा ही रहेगा। हाँ, कुछ सल्ट का कलर चला जाता है ना, वो नहीं, वो जो हल्का कपड़ा आता है वो जाता है, इसका तो कलर नहीं जाता। देखिए इतनी धूप में मन सुखाइए, मान लीजिए भाई सूख गया तो अंदर डाले, लोग छत छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ, वो चीज तो वो बात है। ये बताइए अपनी शरीर उड़ जाती है, जो भगवान का बनाया हुआ चीज वो उड़ जाता है, तो भाई। हेलो जी गाइस, अपना खाना आ चुका है, हम आ चुके हैं दुकान में, और लाइट कैसे जलता है। हाँ लाइट जल गया। आज है संडे, और संडे राइड पता है मैं कब कर रहा हूँ स्टार्ट, शाम के 5:30 हो रहे हैं, मतलब अभी 5 से 10 मिनट में ना पूरा अंधेरा हो जाएगा यार। थोड़ा मुझे पहले निकलना चाहिए था, लेकिन निकलते निकलते 5:30 हो गए, अभी तो सूरज भगवान भी दिखना बंद हो गए, अभी तक दिख रहे थे लेकिन अब तो दिखना ही बंद हो गए। अब संडे राइड गाइस मैं सोचा था सुबह में करने के लिए, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से अब शाम भी हो गई, अब शाम से रात भी होने वाली है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो कल कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी हम पहुंच गए गौरी बाज़ार। गौरी बाज़ार शाम के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, अभी तो कुछ ज़्यादा ही शाम हो गया है। चलो चलो चलो, इंडिकेटर दे लेते इस साइड और हम चलते इस साइड। ओ भाई सामने कितना ज़्यादा जाम है भाई, कहाँ आ गए गलत। भाई क्या करूँ, गलत थोड़ी रहे भाई, गोप्रो है लेकिन फिर भी फोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है गाइस। भाई कितना जाम है, गलत रास्ता चूज कर लिया क्या मैं, मेरे पास गोप्रो है लेकिन अभी तक गोप्रो का गाइस ना सेटिंग हुआ नहीं है। अरे यार कितना जाम मिलेगा, यहीं पे अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा अंधेरा
अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा फिर हमारा संडे राइड तो यहीं पे खराब हो जाएगा। बारिश तो मुझे लग रहा है ना चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखो डेली बारिश होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। एक दिन हो एक दिन ना हो वो चीज़ सही है। इंसान को ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, होता है ना तो इंसान सोचता है बारिश हो, और जब बारिश होता है तो इंसान सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब धूप हो जाए। मतलब इंसान को कोई भी आप मौसम दे दो ना, इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है भाई। इंसान को कितना भी मिल जाए ना, इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। इंसान को आप कितना भी दे दो, उसको कमी लगेगी ही लगेगी कि यार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो इंसान के साथ ऐसा होता है। बारिश भी चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो अब बारिश हो गया जो कि सही है। ये वाला मिरर और सेट कर लेते हैं। हाँ अरे भाई, जितना तेज मैं चल रहा हूँ ना उससे ज़्यादा तेज तो अंधेरा हो रहा है। स्कूटी की लाइट देख लेते एक बार सही है या नहीं है, क्योंकि होता ओही लाइट नहीं जल रहा है गाइस, लाइट नहीं चल रहा है। ओही जल गया जल गया जल गया, मैं तो भूल ही गया था इसका जो लाइट है ना वो ख़राब है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो काम के लिए है। रात में ना चलने के लिए स्कूटी से ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसकी जो लाइट है ना वो सीधा ऊपर जाता है पेड़ वगैरह पे, रोड पे पड़ता ही नहीं है भाई, तो पता ही नहीं चलता है रोड पे खड्डे हैं या नहीं है। वैसे ये वाली रोड तो बहुत सही है भाई, इस रोड पे खड्डे हैं ही नहीं, बिल्कुल खड्डे नहीं है एकदम। ओए अभी तो ये अंकल जी ठुकते ठुकते बच गए। फ्रेम में लगाने के लिए सोचा था ना कि सामने वाला फ्रेम रिकॉर्ड होगा, लेकिन गोप्रो में ना मेरा सामने वाला फेस मतलब आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अब क्या ही गोप्रो से रिकॉर्ड करें। जब मीडिया मोड ले लेंगे उसके बाद से मस्त वाली वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। अभी गोप्रो ले लिए ना, अभी मेरे लिए किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है समझ लो, क्योंकि गोप्रो से व्लॉगिंग करना तो होता नहीं है, क्योंकि गोप्रो सिर्फ ना एक्शन कैमरा है, तो आप सिर्फ ना बाहर की चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि सिनेमैटिक निकाल सकते हैं, एक्शन निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सभी लोग अपनी अपनी बाइक की लाइट जला दिए हैं, इससे ये पता चलता है कि अंधेरा हो चुका है। एक सेकंड वाइजर ऊपर करके देख लेते हैं। हाँ जी अंधेरा तो हो ही चुका है, आज लग रहा है ना अपने को घर जाते जाते अंधेरा पूरा मिलने वाला है। मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत तेज़ हो रहा है, अगर मैं आगे चला गया फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, फिर जाके थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। चलो यहीं से मुड़ा लेते हैं, थोड़ा पहले निकलते थोड़ा और आगे जाते हैं, और यहाँ से ना 7 किलोमीटर दूर ना दुबई कार्निवल मेला लग रहा है, तो मैं सोचा हूँ आज वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि आज है ना स्टार्टिंग, मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज संडे है ना। हाँ अगर आज बारिश हुआ होता ना तो डेट बढ़ जाता मेले का, मतलब जितना मैं चला हूँ ना इतना और चलता ना तो पहुँच जाते हैं मेले में। चलो किसी और दिन जाएंगे। तो जी गाइस चलते हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया यार, यहीं पर अंधेरा हो गया, जो चीज़ मैं सोचा था ना वही चीज़ हो गया। थोड़ा सा मुझे पहले निकलना चाहिए था, लाइट जला दे स्कूटी का, लाइट कैसे जलता है। ओए लाइट जल जा भाई, इसकी लाइट ख़राब हो गई। चलो जल गया, और अभी यहाँ से चलते हैं, 5-10 मिनट में घर भी पहुँच जाएंगे। अंधेरा तो पूरा हुआ नहीं है लेकिन अंधेरा हो चुका है, क्योंकि सड़क पे गाइस ना अब सबकी बाइक की लाइट जल चुकी है, इससे यही पता चलता है कि अंधेरा हो गया है। और रात के टाइम पे गोप्रो और आईफोन दोनों का गाइस ना जो कैमरा ना वो अंधा हो जाता है भाई, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता है अच्छे से। मतलब लाइट अगर अच्छी हो ना फिर जाके अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, वरना तो गाइस अंधा हो ही जाता है। लेकिन चलो ठीक है, आज का जो संडे राइड था वो मैं ये भी नहीं बोल सकता ख़राब गया, और ये भी नहीं बोल सकता कि अच्छा गया। चलो ठीक है एवरेज गया गाइस, एवरेज दोनों चीज़ बोल सकते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो बिना देरी किए वो साइड दे दो भैया, हम भी फटाफट निकल जाएं। इस रोड पे लाइट नहीं है, अगर इस रोड पे लाइट होता ना तो ज़्यादा सही होता। ओए स्कूटी का लाइट बंद हो गया, जल जा भाई, आज पता चला स्कूटी का लाइट क्यों ख़राब है सच में। ओए जल जा जल जा जल जा, जल गया जल गया जल गया। थोड़ा सा भी गड्ढा आ रहा है ना, छोटा सा भी, मतलब स्कूटी अगर थोड़ा सा भी उठ रहा है ना ऊपर या नीचे, भाई साहब इसका लाइट ही बंद हो जा रहा है, लग रहा है इसको ठीक कराना पड़ेगा। क्योंकि रात के टाइम पे गाइस देखो मैं बहुत बार आता जाता हूँ और स्कूटी से ज़्यादा, तो इस रोड पे तो सही है लेकिन जहाँ पे गड्ढा आता है ना वहाँ पे इसका लाइट बंद हो जाता है भाई, जलता ही नहीं है। और ये देखो डॉगी सब ऊपर रोड पे हैं सब, भाई साहब रात के टाइम पे कहाँ कोई डॉगी दिखेगा सड़क पे। भाग रहे हैं लोग, सिंगल रोड है ना, इसी रोड से लोगों को आना है, इसी रोड से लोगों को जाना है, तो थोड़ा सा देख के चलना पड़ रहा है। बाइक वाले को तो खास करके देख के चलना पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई कौन ऐसे निकला कौन ऐसे निकला। रात के टाइम पे ये वाला रोड थोड़ा सा डरावना सा लगता है। चलो अब 1-2 मिनट में हम भी घर पहुंच जाएंगे।
संडे के दिन इतनी भीड़ रहती है क्या? अभी को मैं देख रहा हूँ, आज संडे सबकी छुट्टी होगी। ओए आज लग रहा है लाइट तो है, लाइट है, लाइट है। अगर रोड पे अच्छी खासी लाइट रहे ना फिर जाके ब्लॉक करने में मज़ा आता है। अब रोड पे अंधेरा अंधेरा रहेगा फिर यार मज़ा भी नहीं आता है, ना तो चलने में मज़ा आता है ना तो ब्लॉक करने में मज़ा आता है। तो रोड पे ऐसी लाइट रहनी चाहिए। कौन है? ओए कर रहा है, अभी ये वाली लाइट भी ख़त्म हो जाएगी फिर अंधेरा अंधेरा कायम रहे। यहाँ से लाइट ख़त्म, यहाँ से अंधेरा शुरू। अब आपसे मिलते हैं कल, क्योंकि आज ब्लॉग ख़त्म नहीं करेंगे, अब कल ख़त्म करेंगे। तो कल सुबह आपसे मिलते हैं दोस्तों, आपसे कल। बाय बाय, गुड नाइट।